यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है, हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले, और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानियुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका।